हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देर आर फोर अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच वन और मोर आर करेक्ट। अ कैंडिडेट विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन इफ ओनली ही टिक्स द करेक्ट आंसर। द कैंडिडेट डिसाइड टू टिक द आंसर्स एट रैंडम इफ ही इज अलाउड अप टू थ्री चांसेस to answer the question, then find the probability that he will get marks in the question. So पहले हम देखेंगे इसका key concept क्या है। Key concept, so इसमें हम लोग basically combination use करेंगे और हमारा जो combination का formula होता है वो होता है n c r। ये हमारा equal to होता है n factorial divided by r factorial into एन माइनस आर फैक्टोरियल के। सो अब हो जाएगा हमारे पास द नंबर ऑफ वेज ऑफ टिकिंग वन और मोर अल्टरनेटिव ऑफ फोर इज हमारा हो जाएगा। फोर में से हमें एक चूज करना है, एक बार हमें फोर में से दो चूज करना है, एक बार हमें फोर में से तीन चूज करना है और एक बार हमें फोर में से फोर चूज करना है, राइट। हमारा फोर सी वन हो जाएगा फोर। ये हमारा हो जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू फोर माइनस टू फैक्टोरियल। ये हमारा हो जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस ये हमारा हो जाएगा वन। सो फोर प्लस ये हमारा हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल और ये हमारा हो जाएगा टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल प्लस फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल प्लस वन। सो ये हमारा हो जाएगा फोर प्लस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और फोर इंटू थ्री, टू फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू वन प्लस यहाँ पे भी थ्री फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और वन फैक्टोरियल हमारा वन ही होता है। सो ये हो जाएगा फोर प्लस वन। सो फोर प्लस फोर प्लस वन ये हो जाएगा हमारा नाइन प्लस यहाँ से अगर हम टू से फोर को कैंसिल करें तो ये टू हो जाएगा। सो हमारा यहाँ बचेगा सिक्स तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्टीन। सो ये जो पंद्रह कॉम्बिनेशन है इसमें एक ही सही होगा। सो आउट ऑफ दीज 15 कॉम्बिनेशन ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, राइट। अब सारा तो सही होगा नहीं और हमें ये दे रखा है कि जो स्टूडेंट है उसके पास और वो रैंडमली आंसर सेलेक्ट कर रहा है और उसे थ्री चांसेस मिले। सो सबसे फर्स्ट चांस जो उसे मिलेगा हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द अल्टरनेटिव करेक्टली करेक्टली एट द फर्स्ट ट्रायल। ये हमारा हो जाएगा वन बाय फिफ्टीन। सेकेंड ट्रायल के लिए फॉर द सेकेंड ट्रायल, अब एक तो हमारा हो गया है तो इसमें रिमेनिंग बच कितने गए, फोर्टीन, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्टीन बाय फिफ्टीन और इसमें से एक करेक्ट होगा तो वन बाय फोर्टीन हो जाएगा। फॉर द थर्ड ट्रायल, थर्ड ट्रायल हमारे पास टोटल है 14 बाई 15, अब एक और चला गया तो बच गया 13 और इसमें से 14 टोटल है और 13 में एक चूज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 13। सो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 15 के क्योंकि यहाँ से 13 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 14 14 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 बाई 15। तो प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट
विल गेट द मार्क्स ऑन द क्वेश्चन इफ ही इज अलाउड अप टू थ्री चांसेस विल बी 1/15 + 1/15 + 1/15 विच इज इक्वल टू 3/15 और ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1/5 के. हैंस द फाइनल आंसर इज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट विल गेट द मार्क्स ऑन द क्वेश्चन इफ ही इज अलाउड अप टू थ्री चांसेस इज 1/5. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.